सैयद सुन्नी जामा मस्जिद मजार इंतजामिया कमेटी भिलाई 3 द्वारा भिलाई 3 स्थित मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन में भवन लोकार्पण एवं ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में 14 निगम के पूर्व सभापति विजय जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल सहित वार्ड पार्षद और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन को लोकार्पण विधिवत फीता काट कर किया। इस आयोजन को लेकर मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईद मिलान समारोह को रखा गया था जिसमें रुद्र गुरु जी यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने भवन का फिर से जो भी खर्च आएगा निर्माण के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है आप पूरा काम करके देंगे। और जितने भी आए हुए यहाँ पर जो पार्षदगण और हमारे समाज के लोग हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और रुद्र गुरु जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए। भिलाई 3 मुस्लिम समाज इंतजामिया कमेटी के एक पदाधिकारी की हैसियत से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे ईद मिलन समारोह जो कि आज भवन प्रांगण में रखा गया था और उसका लोकार्पण भी था सामुदायिक भवन का, जिसमें माननीय विधायक महोदय श्री जगत गुरु रुद्र कुमार जी मौजूद थे जिनके कर कमलों से जो है भवन का लोकार्पण किया गया। और वो तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे मुस्लिम समाज के, दिगर समाज के पार्षदगण, मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि वो आए और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। आज हमारे मुस्लिम समाज का भवन का लोकार्पण और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें रुद्र गुरु जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और तमाम एरिया के पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनका मैं आभार करता हूँ। इसके साथ ही हमारे यहाँ हजरत सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह भिलाई 3 वालों का उर्स पाक 3, 4, 5, 6 जून को मनाया जा रहा है जिसमें भी आप तमाम लोगों से जन धन मन सब की सहयोग की अपील की जाती है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की जाती है। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं अपना वक्त विराम करता हूँ।